नहीं दीजिएगा। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज माय सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन का वीडियो बनाया था, ये पार्ट टू। पार्ट वन में आप देख चुके हैं जो अफबाव प्रिंसिपल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन हम कैसे लिखते हैं। अब थोड़ा सा हम शॉर्ट टिप्स देने वाले हैं जिसके आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन किसी का भी आप लिख सकते हैं। आप जानते हैं देयर आर 118 एलिमेंट नोन अप टू डेट, आज तक 118 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है। देयर आर 118 एलिमेंट्स, जिसमें आप जानते हैं तो 90 होता है मेटल, 90 होता है मेटल और 22 होता है नॉन मेटल और 6 होता है मेटल वाइज। हमने इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम शॉर्ट टिप्स क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन का इसके बारे में बताने वाले हैं। जब से आप 5 साल का हुए हैं, हमेशा एक चीज आप सुनते हुएगा, जब कोई स्कूल जाना है, स्कूल चले हम, हमेशा आप घर में यही बातचीत सुनते हुए होइएगा कि स्कूल जाना है, तो दिमाग में आएगा जो कौन सा स्कूल जाना है, ये गवर्नमेंट स्कूल जाना है या कि पब्लिक स्कूल में जाकर पढ़ना है, कौन सा स्कूल जाना है। तो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को काउंसलिंग कर रहे हैं कि बेटा स्कूल पढ़ने के लिए जाना है, और बच्चा थोड़ा सा कम सुनता है जब उसको दो बार कोई चीज़ बताया जाता है तब वह सुनता है। तो पेरेंट्स बता रहे हैं कि बेटा स्कूल, पापा क्या आपको स्कूल जाना है, तो क्या बताया, स्कूल। तो दिमाग में आया जो कौन सा स्कूल जाना है, ये कोई पब्लिक स्कूल जाना है आई कोई चरवाहा विद्यालय में जाकर नाम लिखाना है, तो बोला स्कूल, पब्लिक स्कूल। ये हो गया स्कूल, ये हो गया पब्लिक स्कूल, ये हो गया पब्लिक स्कूल, स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। उसके बाद पब्लिक स्कूल तो बहुत तरह का है, जैसे मान लीजिए सक्सेसफुल स्कूल है, DPS है, मॉडर्न है, ज्ञान ज्योति है, और बहुत टाइप का स्कूल है। तो बच्चा सब दिन से DPS का नाम सुना था और DPS का क्रेज कुछ ज़्यादा अच्छा है, तो बताया पेरेंट्स ने बताया बच्चे को कि बेटा स्कूल पब्लिक स्कूल। बेटा मन में खुश हुआ जब पब्लिक स्कूल जाना है, तो बताया ये कौन सा पब्लिक स्कूल, तो DPS। पहले बताया आपको जो बच्चा को दो बार बोलने के बाद समझ में आता था, तो बताया स्कूल पब्लिक स्कूल DPS। अब देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ DPS। बच्चा बोला कौन सा DPS, दयाल पब्लिक स्कूल, आखिर और सा DPS भी है, हर टाउन में बहुत का DPS होता है, कौन सा DPS में जाना है। तो पिताजी बोले
हमारे बेटा इतने ज़्यादा समझ रहा है। बोला बेटा ऐसा बिजनेस बनाना है जिसका ब्रांड इंडिया में ही नहीं फॉरेन में भी है, चिंता मत करो। तो डीपीएस डीपीएस फॉरेन डीपीएस एफ डीपीएस एफ डी पी एस मैं इंग्लिश रिपीट कर रहा हूँ एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस एक बार आप लोग भी रिपीट कीजिए एस एस पी एस पी एस 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 पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस। अब क्या करना है, अब ये तो हो गया, ये है एस एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एस, ये सब है सब सेल, ये सब सब सेल है। अब इससे पहले हमको सेल का नंबर लिखना है, अब कहाँ पर वन लिखेंगे, कहाँ पर टू लिखेंगे, कहाँ पर थ्री लिखेंगे, आप क्या कीजिए, आप एस के पास से स्टार्ट कीजिए लिखना, ये हो गया वन टू थ्री पुट कीजिए एस के पास से, वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस सिक्स एस सेवन एस और ये हो गया एट एस। अब एस कमारी हो गया, एस में हमने क्या किया कि जहां जहां एस दिखाई पड़ रहा है वहां पर वन से स्टार्ट किए, मतलब स्टार्टेड फ्रॉम वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट एस से ज्यादा एस नहीं मिलेगा पूरा एलिमेंट में। अब बारी है पी का, तो जब एस को स्टार्ट किए वन से तो पी को स्टार्ट कीजिए टू से, टू पी थ्री पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन पी, तो पी हो गया। अब बारी है एस पी के बाद डी का, जब एस को स्टार्ट किए वन से पी को स्टार्ट किए टू से तो डी को स्टार्ट कीजिए आप थ्री से, थ्री डी फोर डी फाइव डी सिक्स डी। अब एस पी डी हो गया, अब बारी है एफ का, तो एफ के पास में आप यहां शुरू कीजिए, एस को स्टार्ट किए थे वन से, एस को स्टार्ट किए थे वन से, पी को स्टार्ट किए थे टू से, डी को स्टार्ट किए थे थ्री से, तो एफ को स्टार्ट करेंगे हम फोर से, ये हो गया फोर एफ फाइव एफ। इसी को आप इनर्जी लेवल डायग्राम में जो फर्स्ट वीडियो को याद कीजिए उसमें ऐसे हम जाते थे वन एस टू एस टू पी थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी, उसके बाद हम इस तरह से उसको हम एरो हम लगाए थे। तो इसमें माइंड में कुछ प्रेशर पड़ता है, तो बिना कुछ प्रेशर डाले हुए अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से आपको याद रहेगा और कभी नहीं भूलिएगा। अब आगे दस्तर कौन सा है,
अब यहां पर एक साइन का हम यूज कर रहे हैं, साइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर, एनर्जी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो गया एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर। 1s 2s 2p मतलब एनर्जी 1s का सबसे कम है, 2p का उससे ज्यादा है, 2s का 1s का सबसे कम है, 2s का उसके बाद है, 2p का उसके बाद है, 3s का उसके बाद है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। सबसे कम एनर्जी 1s का है और सबसे अधिक एनर्जी 8s का है। तो अभी तक जितने एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ है सब आपको इसी में से आएगा, इससे बाहर कहीं आपको जाना नहीं है। अब आगे तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s इसको इधर आप लिख रहे हैं 3p 4p 5s 4d 4d के बाद 5p 4d के बाद 5e 5p के बाद 6s के बाद 4f। अब हमको इसका कितना रकम अभी है, इसके बेसिस पर आप कुछ खास एक्सेप्शन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट हैं सब के कंफिगरेशन को आप लिख सकते हैं आसानी से। एड फॉर एग्जांपल हम लिखना चाह रहे हैं 25 का, ये देखो एस्केंडियम, एस्केंडियम का नंबर कितना होता है 21। तो क्या करेंगे हम यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, जहां तक 21 खत्म हो जाएगा उसके बाद लिखना हम छोड़ देंगे। P हो गया 1s, एक क्या पता है s में इलेक्ट्रॉन 2 रहता है, p में 6 रहता है और d में 10 और f में 14। तो 1s2 हो गया, P हो गया 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ये हो गया 20, ये 20 हो गया, ये हो गया 3d1, ये हो गया स्कैंडियम का। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये होता है आर्गन का कंफिगरेशन AR, उसका होता है 18। तो इसके बदले में आप ऐसे आप लिख सकते हैं आर्गन को इस ब्रैकेट के अंदर में देंगे हम 4s2 3d1। इसको बोलते हैं इनर्ट गैस कंफिगरेशन। कोई भी कंफिगरेशन जो है जो नियरेस्ट इनर्ट गैस जो भी है उसके पास में उसको हम इस ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे और बाकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लिख देंगे, उसको बोलते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको स्कैंडियम के बाद होता है
टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, और ये हो गया जिंक, कॉपर हो 21, ये हो गया 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये हो गया 30। इस चार आप लिखेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3D2। आर्गन 4S2 सब में जो चेंज हो रहा है उसी को दिखा रहे हैं। 3D2 ये हो गया 3D3, ये हो गया 3D4, 3D4 ये हो गया 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 और 3D10, ये हो गया 3D10। अब यहां पर देखिए 3D10। अब इसके बारे में आप जान चुके हैं, हम बताए थे ये 3D एक्चुअली 4 होता है, 3D4 होता है, जो कि स्टेबिलिटी के नाम पर इसको 3D5 हम कर देते हैं, जिसको हम 3D5, इसको हम 4S1 और 3D5 करते हैं स्टेबिलिटी के नाम पर। इसको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं, और ये जो है ये 4S1 और 3D10 स्टेबिलिटी के नाम। ये एलिमेंट जो है इसको बोलते हैं फास्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये एलिमेंट है। अब देखिए आप सेकेंड का ये शुरू होता है 39 से, इसका होता है 39, ये होता है 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ये 48 हो गई। नाउ राइट इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन, कैन सी 49, यू कैन राइट 1s2, 2s2 यही पर लिखते हैं, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 46, 5s2 और 4d1, 4d1, 4d1। अब यहां पर अब लिखेंगे हम
5s2 4d1, 5s2 4d1। अब आगे ये कराएगा 5s2 4d2, 5s2 और 4d2, ये यहां पर 4d2 हो गए। अब यहां पर 4d3 4d4 4d5 4d6 4d7 4d8 4d9 4d10 का ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है नहीं, क्योंकि इसमें उसका कंप्लीकेशन जो है, इसमें हम स्टार मार्क लगाते हैं, इसका होता है इरेगुलर कंप्लीकेशन, जो नॉर्मल से हट करके होता है, इसका कोई क्लियर कट एक्सपेंशन दिया हुआ है नहीं, इसी बुक में ये सब नॉर्मल से हट करके होता है। अब नॉर्मल से हट करके क्या होता है, ये हो गया 5s2, ये जो हो गया 5s2, अब बाकी यहाँ से 5s1 स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रॉन 3d हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5s1 3d4, 5s1 3d5 3d5, तब ये हो गया 4d6। हम बस अब बात कर रहे हैं इसके कंट्रीब्यूशन टीसी का, इसको ऊपर लिखते हैं। टीसी इसको बोलते हैं टेक्नीशियन, ये है 5s2 5s2 और 4d5 अकॉर्डिंग टू क्लास 11। क्लास 11 में ये लिखा हुआ है और क्लास 12 में लिखा हुआ है 5s1 4d6, ये क्लास 12 में लिखा हुआ है। अब दोनों में आप कंफ्यूज कीजिएगा कि सर दोनों में सही कौन है, सही कौन है, तो इसका कोई क्लियर कट एक्सप्लेनेशन तो बुक में हमको नहीं मिला है, लेकिन मेरा जो एक्सप्लेनेशन है सो क्लास 11 में जो दिया हुआ है कि यही आपको सही है, दिस इज मोर एक्यूरेट। इसका रीजन क्या है, आप जानते हैं जो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जब 4d में 5 वाट हाफ फिल हुआ तो फुल फिल एंड हाफ फिल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए यही सही है जो क्लास 12 में दिया हुआ है, उसके फैक्ट्री हम नहीं कर रहे। उसके बाद एक और देखो पीडी में 4s2 और 5d8 पीडी, लेकिन ये चेंज होता है, ये 4d10 हो गया और ये 5s0 हो गया,
ये फाइव है जीरो हो गया। केमिस्ट्री में कुछ चीज आपको मान के चलना पड़ता है कि ऐसा होता है, उसके कारण को आप क्लास का आपको सकता है कुछ कारण आपको नहीं भी मिला। ये इसको बोलते हैं इरेगुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि नॉर्मल से हट करके होता है। अब एक तरह से हम एक हुन स्कूल का चर्चा करेंगे, एक वीडियो को खत्म करेंगे। Giving all the electrons in degenerate orbital follows a rule, इसको बोलते हैं हुन्स रूल। ये रूल बोलता है जो फिलिंग ऑफ Filling of electron in any orbital belonging to degenerate subshell pairing of electron star। ये हम तुम इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम डीजेनरेट का मतलब होता है जिसका एनर्जी की सेम होता है। इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके सब में जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन सब में एक एक चला गया है तब पेयरिंग करना स्टार्ट करेगा। मान लीजिए हम लिखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन हुन रूल के आधार पर। नाइट्रोजन एक नंबर होता है 7, ये हो गया 1s, ये हो गया 2s, ये हो गया 2p। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। s सबसेट में होता है वन ऑर्बिटल और ई में हो गया देयर आर 3 ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके गया सब पेयरिंग और ये हो गया हुन्स रूल। अगर मान लीजिए कोई आपने इसको ऐसे ही पेयरिंग कर दिया, इसको ऐसे पेयरिंग कर दिया फिर यहां पर क्या, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का वैल्यू मैक्सिमम नहीं होगा।
यहाँ वैल्यू कितना होगा स्क्रीन का, इसका वैल्यू हाफ है, हो गया हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, ये हो गया वन अपॉन वन बाई टू। यहाँ देखो प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो, और ये हो गया प्लस हाफ, इसलिए एस का वैल्यू हो जाएगा तो वन एंड हाफ, यहाँ पर एस का वैल्यू हो गया हाफ, इसीलिए स्क्रीन मल्टीप्लिसिटी जहाँ पर मैक्सिमम होगा वही इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग अच्छा होता है, इसीलिए इसका नाम है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे भर रहे हैं, एक में ही अगर दो हम डाल रहे हैं और फिर यहाँ पर ये फीलिंग अनस्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ओके चिल्ड्रन, पढ़ते रहिए, मस्ती कीजिए।